नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। दिल्ली के बर्खास्त मंत्री संदीप कुमार की सीडी सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कटघरे में है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, संदीप कुमार की गलती के लिए क्या पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? देखिए, इस पूरे मुद्दे को लेकर दो तीन पहलू हैं और उन दोनों तीनों ही पहलुओं का अपना महत्व है। पहली बात तो यह है कि किसी भी विधायक और जो खासतौर पर मंत्री भी है दिल्ली में, उसकी एक सीडी का महत्व राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बन जाना ये दुखद है। जिस सनसनीखेज तरीके से टेलीविजन चैनलों ने उसको चलाया और टीआरपी बटोरने की कोशिश की, वो शर्मनाक है, बेशर्म है। वो उन विजुअल्स को छुपाकर भी अपनी खबरों को दिखा सकते थे। कोई महिला बाल विकास मंत्री, खासतौर पर किसी का दिल्ली जैसे राज्य का, अगर ये कृत्य करता है, दुखद है, शर्मनाक है। खास तौर पर जब उसमें यह तथ्य जुड़ जाता है कि जो महिला उस सीढ़ी में दिखा, दो महिलाएं उसमें से एक महिला अब पुलिस के पास शिकायत करने के लिए एक एनजीओ के माध्यम से पहुंच गई है, इस तथ्य के मद्देनजर इस कृत्य की गंभीरता और बढ़ जाती है, आपराधिक है। इसमें ना केवल बलात्कार का, शोषण का, बल्कि ब्लैकमेलिंग का, और यह समझ में आता है कि इस व्यक्ति की प्रवृत्ति क्या है। तो ये नैतिक पतन का एक गंभीर मसला है, खास तौर पे ऐसे व्यक्ति का जिसको जनता ने विधायक चुना। न केवल विधायक चुना, वो ऐसी आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री है जिसने अपने आप के अलग होने का दावा किया। ये उसका दूसरा पहलू है। मीडिया ने शर्मनाक तरीके से प्रस्तुत किया, ये पहला पहलू है। उसको राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बनाया गया, वो गलत है। दूसरा पहलू यह है कि जब एक महिला ने अपने, ये समझा जा सकता है कि अगर कोई मंत्री के पद पर बैठा है तो उसके डर के मारे शुरुआत में शिकायत नहीं की होगी, लेकिन सीडी सामने आई, एक एनजीओ ने उसको दिलासा दिया है तो वो सामने आई है। उसने कहा है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए मुझे ब्लैकमेल करके और कोई नशीला पदार्थ पिलाकर ये किया गया, तब तो ये मामला बहुत संगीन है, गंभीर है, आपराधिक है। इस पर जितनी कड़ी कार्रवाई हो सके होनी चाहिए। इससे ये सबक भी मिलना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन हो या निजी जीवन हो, आपको नैतिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वरना आपको सजा मिलेगी। और ये मसला भारतीय समाज का नहीं है, अमेरिका में भी बिल क्लिंटन के राष्ट्रपति बनने के बाद उनके जब गवर्नर के कार्यकाल का एक मसला उठा था, मोनिका लेविंस्की वाला, विश्वभर में प्रसिद्ध है, लेकिन उनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। अमेरिका पश्चिम का वो देश जिसको खुला समाज मानते हैं, पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक मानते हैं, हम जो मानते हैं कि भारतीय समाज की तरह बंधन वहां पर नहीं है सामाजिक, उसके बावजूद उसने भी नैतिकता के इस तरह के मापदंड स्थापित किए हैं, तो ऐसा होना चाहिए। तीसरा मुद्दा, क्या इसको लेकर पूरी आम आदमी पार्टी को हम कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? हमको आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़े करने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक ये न साबित हो कि आम आदमी पार्टी की पूरी सरकार, खास तौर पर बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इस तरह के कामों के पीछे हैं या साजिश में शामिल हैं या इस तरह के कामों को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने संदीप कुमार को मंत्री पद से हटाकर तत्काल और फिर उसके बाद पार्टी से उसको निलंबित करके ये साबित तो किया है कि वो ऐसे कामों के साथ खड़े नहीं रहना चाहते। लेकिन इसमें गंभीर मुद्दा यह है कि क्या उनको इस तरह के संदीप कुमार के कामों की जानकारी पहले से थी? यदि थी तो फिर ये निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी पर लांछन लगाने वाला और खास तौर पर उसके शीर्ष नेतृत्व पर लांछन लगाने वाला मुद्दा है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि जितेंद्र तोमर के मसले में भी वो इसी वजह से बदनाम हुए क्योंकि उनको मालूम था कि उसकी डिग्री फर्जी है, पर उन्होंने अजीब तरीके से उसका बचाव करने की कोशिश की थी। जो व्यक्ति सीडी लेकर सामने आया था मीडिया के, उसने कहा था कि उसने 15 दिन पहले ये सीडी अरविंद केजरीवाल को उपलब्ध कराई है। अगर ये बात सत्य है तो निश्चित तौर पर यह गंभीर मामला है और उसके लिए आम आदमी पार्टी को आप कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन केवल संदीप कुमार के कृत्य के लिए, उसके व्यभिचार के लिए, उसके कुकर्म के लिए आप पूरी पार्टी को दोषी नहीं साबित कर सकते। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में राघव जी का मामला सामने आया, पीड़ित पक्ष अदालत में गया, वहां पर कार्रवाई हुई और राघव जी को जेल जाना पड़ा, लेकिन उसके लिए आपने शिवराज सिंह चौहान को दोषी नहीं माना और ना ही उनका इस्तीफा मांगा गया। यहां पर आम आदमी पार्टी का दोष यह जरूर हो सकता है कि उन्होंने जानकारी रहते हुए उसको बचाया, और ऐसा किया तो बहुत गलत है। तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू मैं शुरुआत में रखना चाहता हूं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के इतने बड़े नेता, प्रवक्ता और खासतौर पर इतने वरिष्ठ पत्रकार रहे आशुतोष ने अपने ब्लॉग में बड़ी बड़ी हस्तियों को शामिल करके संदीप कुमार के कृत्य को सही साबित करने की कोशिश की है, वो शर्मनाक है, गलत है। खासतौर पर अब आशुतोष को ये जवाब देना चाहिए उन्होंने, क्योंकि अपने ब्लॉग में एक तथ्य का सहारा लिया है, एक तर्क का सहारा लिया है, तथ्य तो वो नहीं है, तर्क है। उनका तर्क ये था कि ये आपसी सहमति से होने वाला कृत्य है और उसको लेकर समाज इतना हंगामा क्यों कर रहा है। आशुतोष को कैसे मालूम है कि ये आपसी सहमति से हुआ? क्या उन्होंने महिला का पक्ष, क्योंकि पत्रकार हैं, वो पत्रकार की पहली मर्यादा यह है कि वो दोनों पक्षों को सुने बगैर अपनी खबर को ना चलाए।
और यहाँ उन्होंने केवल सीडी को देखकर संदीप कुमार के बयान को सुनकर अपना पक्ष रख दिया और पूरी की पूरी आम आदमी को पाक पवित्र बताने लगे। तो वो अपनी पार्टी के बचाव में इस हद तक चले गए कि वो अपने पत्रकारी धर्म को भूल गए जिससे वो जुड़े रहे हैं। क्या उन्होंने उस महिला के पक्ष को जानने की कोशिश की जो अब आई है शिकायत करने? तो इस तथ्य के मद्देनजर कि महिला ने शिकायत की है, महिला ने कहा उसका शोषण हुआ है, महिला ने कहा ब्लैकमेलिंग हुई है, महिला ने कहा कि उसको नशीला पदार्थ खिलाया गया, मामला बहुत गंभीर है, इससे आशुतोष जी के सारे तर्क जो है वो ध्वस्त हो जाते हैं। मुझे लगता है इतने बड़े पद पर रहकर थोड़ी और जिम्मेदारी दिखाना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, केवल अपनी पार्टी के मुंह में अंधा होने की बजाय सत्य के साथ, तर्कों के साथ, सही चीज के साथ खड़ा होना चाहिए। जगदीश, सीडी का मामला संदीप कुमार का निजी हो सकता है, लेकिन ऐसे में गांधी जी, नेहरू या वाजपेयी जी को जोड़ना कहां तक उचित है? मैं मानता हूं कि ये गलत है। आशुतोष जो कि आम आदमी पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं और एक पत्रकार रहे हैं वरिष्ठ, और पत्रकारिता के तमाम दायरों को, उसके सिद्धांतों को वो भली भांति जानते समझते हैं, तो दूसरे के बुरे को सामने लाकर आप अपने बुरे को ढक नहीं सकते। जिस तरीके से संदीप कुमार के कृत्य की वजह से पूरी आम आदमी पार्टी को दोषी मान लेना गलत है, उसी तरीके से आशुतोष द्वारा इस विमर्श में नेहरू, गांधी और वाजपेयी को घसीटा जाना भी गलत है। इन लोगों ने अपने निजी जीवन में जो भी अच्छा बुरा किया उसको लेकर लिखा जा चुका है, अगर वो कानूनी तौर पर गलत था तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। वाजपेयी जी के निजी जीवन को लेकर उन्होंने खुद सार्वजनिक मंचों से बातें कही हैं, उन्होंने तो ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि मैं अविवाहित हूं लेकिन कुंवारा नहीं हूं, इससे ज्यादा बड़ी आत्माभिव्यक्ति क्या हो सकती है। गांधी जी ने उनके निजी जीवन में जो कुछ भी किया उसको लेकर दूसरे क्या कहेंगे, उन्होंने खुद ही सत्य के प्रयोग करते हुए सब कुछ लिखा है कि जो कुछ भी निजी जीवन में वो प्रयोग करना चाहते थे उन्होंने किए, और गांधी जी इसीलिए कि उसको लेकर लिखने की क्षमता उनमें थी। वो किसकी तुलना, संदीप कुमार ने क्या खुद होके लिखा था कि मैं महिला बाल विकास मंत्री होने के बावजूद इस तरह के कार्यों में लिप्त हूं? वो क्या बात कर रहे हैं? नेहरू और एडविना के संबंधों को लेकर देश दुनिया लिख चुकी है, उसकी तस्वीरें आ चुकी हैं, उसके कोई पहली बात है कि पुख्ता प्रमाण नहीं है, जो प्रतीक थे उनको, प्रतीकों को पकड़कर लोगों ने अपने अपने तरीके से उसको गढ़ा है, कहा है, लिखा है। ऐसे तो इंदिरा गांधी के बारे में भी मेरा कहना यह है कि अगर कहा गया है तो सार्वजनिक जीवन में जो लोग होते हैं उनके बारे में कहा जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर उन्होंने कोई ऐसा कृत्य किया जिसकी वजह से उनको पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है, वो भी कार्रवाई हो जाए, लेकिन आप इन सीमाओं का उल्लंघन करेंगे, मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे तो वो गलत होगा। अगर वो काम गैरकानूनी है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन इन लोगों का नाम लेकर आम आदमी पार्टी और खासतौर पर आशुतोष संदीप कुमार के कृत्यों को ढक नहीं सकते। अगर उनने कुकर्म किया है, व्याभिचार किया है, उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। पहली सजा तो यह मिली है कि उनको राजनीतिक जीवन अपना अभी गंवाना पड़ा है, आगे जाकर वो उसको ठीक कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसे उदाहरण हैं। कांग्रेस में अभिषेक मनु संघवी बड़े नेता प्रवक्ता हुए, उनका भी इसी तरह का एक मामला सामने आया, वो मामला कुछ समय बाद दब गया, आज फिर वो टेलीविजन चैनलों पर कांग्रेस की पैरवी करते हुए दिखाई देते हैं। हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायक, मंत्री एक एक करके काफी उलझ चुके हैं विभिन्न मामलों में, क्या ये संयोग है या योजनाबद्ध तरीके से किया गया काम है? ये मुझे लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, आम आदमी पार्टी को इस बात पर गंभीरता से चिंतन करना होगा। देखिए, जिस तरह से इनके जो मंत्री थे तोमर, उनको लेकर, जो उनकी डिग्री को लेकर विवाद हुआ, उसमें जिस तरीके से उसको शुरुआत में ढकने की कोशिश, इस पर बहस होनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी, संदीप कुमार को लेकर उन्होंने एक्शन ली, अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक तथ्य ये भी सामने आया है कि वो सीडी 15 दिन पहले अरविंद केजरीवाल को मिल चुकी थी। अगर ये बात सही है तो वहां आम आदमी पार्टी गलत है, अगर ये सीडी मीडिया में चली गई उस डर से उन्होंने कार्रवाई की है तो यहां जाकर आम आदमी पार्टी गलत हो गई है। यहां पर आम आदमी पार्टी को आप दोष दे सकते हैं उस व्याभिचार के लिए, उस कदाचरण के लिए आम आदमी पार्टी दोषी नहीं है, लेकिन उनके संज्ञान में मामला अगर आ गया था तो बिना इसकी चिंता किए कि वो मीडिया को पता है या नहीं, उनको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को तक भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में निलंबित करने का काम किया है, वो साहस उन्हें इस मामले में दिखाया जाना चाहिए। अभी ये तथ्य साबित नहीं हो पाया है कि वो सीडी उनको 15 दिन पहले, किसी ने ये केवल दावा किया है कि वो 15 दिन पहले सीडी उसने उनको उपलब्ध कराई थी। अगर इसमें तथ्य है, अगर इसमें प्रमाण है तो यहां आम आदमी पार्टी की गलती है। दूसरा, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री अलग अलग कृत्यों में, दायरे में फंसे हैं, उनके इतने बड़े मंत्री जो हैं वो उनके पत्नी के साथ विवाद को चलते, वो भी इस कानूनी पेंच में फंसे हैं, तो मुझे लगता है उनको सबसे पहले इस बात का आत्मावलोकन करना पड़ेगा कि किस तरह के लोगों को साथ में लेकर उन्होंने सरकार बनाई है, किस तरह के लोगों को साथ में लेकर वो आगे की सफलताओं की कामना कर रहे हैं। योगेंद्र यादव जैसे उनके इतने बड़े समर्थक, इतने बड़े विचारक और चिंतक अगर इन्हीं मुद्दों पर नैतिकता के आधार पर उनसे अलग हुए हैं, प्रशांत भूषण जैसे नेता अलग हुए हैं, तो उनको एक बार फिर से पुनर्विचार करना पड़ेगा कि जिन
नैतिकता के और आचरण के सवालों को उठाकर ये नेता अलग हुए, कहीं वो सही तो नहीं थे और कहीं वो आगे जाकर पार्टी को बड़ा नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? आम आदमी पार्टी बाकी दूसरे राजनीतिक दलों के मुकाबले काफी नई पार्टी है, नए विचारों और नए सोच के साथ आने का उन्होंने दावा किया था, लेकिन ये जानबूझ के हो रहा है या कोई करवा रहा है या संयोग है, ये बहस बाद में होगी। सवाल यह है कि तथ्य नहीं होंगे तो कोई जानबूझ के भी नहीं फंसा पाएगा ना आपको। आप गलत कर रहे थे और सामने वाले को उसका प्रमाण मिल गया, तो सबसे बड़ी बात यह कि आप गलत कर रहे थे, प्रमाण ढूंढने के लिए तो लोग बैठे हैं। राजनीति में तो छींटाकशी का खेल चलता है, जिस तरह से हम कहते हैं कि प्रेम और युद्ध में सब जायज है, उससे आगे तो अब राजनीति में तो सारा नाजायज भी जायज है। राजनीति तो ऐसा युद्ध का मैदान है जहां पर सारी वर्जनाएं सारी मर्यादाएं लांघी जा चुकी हैं। तो अगर आप राजनीति के मैदान में उतरे हैं तो आपको अपनी शुचिता का, पवित्रता का, बेहतर आदर्शों और मापदंडों का, खासतौर पर तब जब आप दावा करते हैं कि आप औरों से बेहतर हैं, औरों से अलग हैं, आप ईमानदार हैं, आप निष्पक्ष हैं, आप पारदर्शी हैं, तो फिर आपको थोड़ा सावधानी ज्यादा बरतनी पड़ेगी, अपने घमंड को अपने ईगो को अलग रखना पड़ेगा, अपने वो साथी जो भीतर हो रही गड़बड़ियों को लगातार इंगित कर रहे हैं उनकी बात को ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे दिल्ली सरकार के बर्खास्त मंत्री संदीप कुमार के सीडी कांड की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।